है क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो हमारे अंदर एग्रेशन नहीं आएगा। ये तो एग्रेशन से बचने के लिए था, बट हम डील कैसे करें? अब अगर एक घर है, शोहर जो है वो कमा कर आ रहा है सारा दिन, वो उसे सब कुछ करना भी है, काम भी है, टेंशन भी है, लेकिन काम उसे मिल नहीं रहा। अब वो घर पर आ रहा है, अपना अग्रेशन वो बच्चों और बीवी पर निकाल रहा है, तो हाउ दे कैन डील विद हिज। भाई ये भी एक फैक्टर है। वैसे जब हमने फैक्टर्स की बात करी कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बहुत हैं, इकोनॉमी हमारी जो है नीचे जा रही है, तो ये भी वाकई में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी तरह ही होता है। तो बात यह है कि अगर आपको रिलेटेड काम नहीं मिल रहा जो आपकी फील्ड है या जो आप करना यस चाह रहे हो, तो फॉर द टाइम बींग हम ये कर सकते हैं कि हम उसका ऑल्टरनेट तलाश करें। फॉर द टाइम बींग आपको जो जॉब जिस फील्ड में आपको उस फील्ड से रिलेटेड नहीं मिल रही, किसी और फील्ड में जॉब कर लो, इंशाल्लाह जब मिलेगी तो फिर उसको कंटिन्यू कर लेना। क्योंकि कौन सी बात ऐसी यह टिप्स हैं जिसे कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे हम अग्रेशन जब हम अग्रेसिव हो जाएं, तो आफ्टर देन वी कैन मैनेज अवर अग्रेशन, और किस तरीके से हम अपने आप को बेटर फील करवा सकते अच्छा, एंगर मैनेजमेंट या अग्रेसिव होने के लिए हम जो है बात यह है कि हमारे अंदर जो होती है एनर्जी, ठीक है, हैं। जब यस हम कोई काम करते हैं तो हमारी, या हम कुछ भी करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो होती है रिलीज होती है हमारी बॉडी से। अगर हम कोई काम यस नहीं करते तो वो अग्रेशन की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो अगर बच्चे हैं तो उनको, बच्चे हैं या यानी बड़े कि हैं, काम करना जरूरी है। काम करें, स्पोर्ट्स करवाएं, बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाएं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन उनको स्पोर्ट्स, सारा वक्त उनको पढ़ाई के बजाय उनको स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व किया जाए। बड़े हैं तो उनको एक्सरसाइज। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हम किस तरीके से अपने एग्रेशन को रिलीज करें? हम अपने एग्रेशन को इस तरह से रिलीज कर सकते हैं कि हमारे पास भी, हम भी तकरीबन सारे ही दो तीन स्पोर्ट्स तो हम करते हैं, जिसमें कि है हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा फुटबॉल भी है, और इसके अलावा और भी टग ऑफ वॉर है, इसके और भी दो तीन गेम्स हैं जो कि ब्लाइंड पर्सन्स खेल सकते हैं। तो उन गेम्स में इन्वॉल्व हो, चाहे मेल हो चाहे गेम्स ही फीमेल। खेलनी है तो वो एक चीज मुझे सिर्फ यहाँ पर क्लियर करें कि गेम्स ही अगर खेलनी है तो वी कैन प्ले इन मोबाइल और लैपटॉप, एनीथिंग, तो वो बिल्कुल ज्यादा मोबाइल, बेहतर है या फिर फिजिकल जो हम गेम्स खेलते हैं? क्योंकि उसके लिए सारी बातें, फिजिकल के लिए हमें वैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हमें वो चीजें अवेलेबल होनी, आप क्रिकेट खेलना है तो बैट बॉल, फिर उसके लिए ग्राउंड अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल। देखो गेम्स तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि फिजिकल ज्यादा अच्छा होता है। बिकॉज देखो गेम में आप जब मोबाइल पे खेल रहे हो तो आप सिर्फ, आपका दिमाग चल रहा है या आपके हाथ चल रहे हैं। जब आप फिजिकली यस खेल रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ चीजें जो है वो आ जाती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं। सबसे पहले तो आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक, एक फ्रेश हवा में निकलते हो। दूसरा, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हो, सोशलाइज करते हो, उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी सी गैदरिंग हो जाती है। फिर जब आप खेल करेक्ट। रहे हो तो आप फिजिकली खेल रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। अगर हम एक साथ बैठ लेकिन के, हमें सोसाइटी अपने साथ रखती भी तो नहीं है, और यही चीज भी तो अग्रेशन का जो है वो अग्रेसिव होने में एक अहम बुनियादी, मतलब के एक बुनियादी आंसर है इस चीज का कि सोसाइटी हमें अपने साथ रखती नहीं है। अब अगर मुझे अगर स्पोर्ट्स खेलना भी है, मैं अभी अगर ग्राउंड में चले जाऊं, तो श्योरिटी है कि कोई भी मुझे अपने साथ नहीं खिलाएगा। ये है। बट हम लोग जो है, एक बात है कि देखो जब तक हम अपने बीइंग अ विजुअली चैलेंज या बीइंग अ डिसेबल पर्सन, डिफरेंटली एबल यस पर्सन, तो बात यह है कि जब तक हम अपने आप को खुद कुछ नहीं समझते, कोई हमें कुछ भी नहीं समझता। कोई बात नहीं, वहाँ करेक्ट हमें नहीं समझा रहे, लेकिन हम अपने जो हमारी हमारे जो ब्लाइंड पर्सन्स की टीम है, और ब्लाइंड बाकी जो ब्लाइंड हमारे जो फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। जब वो हमें उनके साथ खेलते हुए देखेंगे, जब हम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के साथ खेलेंगे, तो बिल्कुल वो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ही रिकग्नाइज करेंगे।
लोग